पांच प्रकार होते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल और ऑड ग्रामर में नाउन के पांच प्रकार होते हैं, ठीक है। जबकि मॉडर्न ग्रामर में नाउन के तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए पांच क्या है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हम इससे अगली वाली वीडियो में आपको बता दिए हुए, ठीक है। आप उनको पढ़ना क्या कि काउंटेबल कैसे, अनकाउंटेबल कैसे हो गया। प्रॉपर तो प्रॉपर ही रहेगा, देखिए हम समझा चुके हैं कि प्रॉपर वह होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के खास नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए काउंटेबल नाउन क्या होता है, देखिए कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिलाने से जो बनता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। मतलब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर क्या बनेगा, काउंटेबल नाउन। मतलब ऐसे शब्द हो जो एक ही शब्द से पूरे श्रेणी का बोध करा दे, ऐसे वर्ड क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन जो क्या है, समूह का बोध कराता है, इकट्ठा सभी बैठे हैं इस बार, जैसे भीड़ लगा हुआ है, तो सब है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सभी लोग हैं, लेडीज है, तो सभी लोग रहते हैं, उनको एक साथ क्राउड करते हैं, क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो ऐसे वर्ड जो एक साथ, जैसे कचारी का गुच्छा हो गया, मूव हो गया, भीड़ हो गया, इससे क्या है, एक दोनों हम गना सकता है ना, अगर हम गणना चाहे तो कॉमन और कलेक्टिव गना सकता है ना, इसे काउंटेबल नाउन लेकिन यहाँ पर बच्चेदार फंसने लगते हैं, ये सब कॉमन कैसे इसको क्या कर दिया गया, मॉडर्न ग्रामर में इसको काउंटेबल कर दिया गया, इसको गणनीय वाली संख्या, गणनीय संख्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन गणनीय संख्या जिसे हम गण सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बन गया, कॉमन और कलेक्टिव क्या बन गया, काउंटेबल नाउन बन गया। चलिए मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी बता चुका हूँ सर अगले वीडियो में, तो देखिए ये दोनों क्या होता है, जो गना नहीं सकता है, तो आप जानते हैं कि मटेरियल नाउन भी नहीं गिनाता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं गिनाता है, ठीक है। यहाँ पर दुख, सुख, दर्द, एहसास, बुढ़ापा, बचपना को देखा जाता है इस नाउन के थ्रू, और इसके थ्रू हम लोग नापने तौलने को लिया जाता है, जैसे हम दूध, घी, ये इसी से हम नाप के लेते हैं, ये दोनों क्या बन गया, अनकाउंटेबल, जैसे हम गन नहीं सकते हैं, ठीक है, ये गनाएगा नहीं। तो चलिए हम कैसे चेक करें, कह रहे हैं कि डायरेक्शन चूज द नाउन्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो से वेदर दे आर प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। मतलब सेंटेंस दिया गया है, इसे चुनना है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे चुनते हैं। प्रॉपर तो आपको आता ही होगा कि नाम को कहते हैं, तो नाम यहाँ पर सीता है, सीता क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और यहाँ बैग जो है ना, क्या है, कॉमन नाउन है, यहाँ कॉमन ही आएगा, काउंटेबल आएगा, बैग क्या है, काउंटेबल नाउन गिना जाएगा, ये काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट देखिए संडे, संडे प्रॉपर नाउन, शॉर्ट ले लूंगा, संडे क्या है, प्रॉपर नाउन, शॉर्ट ले लूंगा, प्रॉपर नाउन है। और हॉलीडे, अब ये क्या है, ये काउंटेबल नाउन होगा, हॉलीडे है, एक छुट्टी, दो छुट्टी, तीन छुट्टी, हॉलीडे मतलब छुट्टियों का दिन, तो क्या हो गया, काउंटेबल नाउन, शॉर्ट ले लो, काउंटेबल नाउन, ठीक है। आगे देख लीजिए काइंडनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, क्या क्या लिखेंगे, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। आगे गिफ्ट ऑफ गॉड, गॉड क्या है, गॉड को बना जाएगा, काउंटेबल नाउन के कॉमन नाउन से बना है, क्या काउंटेबल नाउन, गॉड क्या है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। आगे देख लीजिए द फॉक्स, फॉक्स भी क्या है, ये भी गना जाएगा, ये भी गना जाएगा, ये भी गना जाएगा, ये भी क्या है, एनिमल्स, काउंटेबल्स नाउन, ठीक है। और एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स है, तो ये भी गना जाएगा, जैसे भीड़ होता है तो भीड़ जब गना सकते हैं तो एनिमल्स ही नहीं गनाएगा, ये भी क्या है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक है। आगे रख लीजिए राइस नहीं गिनाएगा, देखिए राइस, पल्स, ये दोनों क्या है, नहीं गिनाएगा, तो ये दोनों आपको क्या गया, अनकाउंटेबल नाउन, क्या हो गया, ये दोनों को लिख सकते क्या, अनकाउंटेबल नाउन, क्या लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ओके। आगे रख लीजिए फूड, फूड क्या है, ये भी भोजन है, ठीक है, फूड क्या है, गल लीजिएगा, एक फुट, दो फुट खाया, तीन फुट खाया, ये भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। आगे देख लीजिए धोनी, नाम है मिस्टर एम एस धोनी, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, नाम है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कैप्टन, ये क्या है, काउंटेबल नाउन, कैप्टन गिनाएगा, काउंटेबल नाउन। और टीम भी क्या है, काउंटेबल नाउन, ठीक है। आगे
द गंगा इज, द गंगा फ्री है, गंगा क्या है प्रॉपर नाउन, क्योंकि नाम है ठीक है प्रॉपर नाउन है। रिवर ऑफ इंडिया, रिवर क्या है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन रिवर काउंटेबल नाउन है। इंडिया क्या है फिर प्रॉपर नाउन हो जाएगा, इंडिया प्रॉपर नाउन ठीक है। फ्लोर, ये फ्लोर क्या है, फ्लोर मतलब आटा, फ्लोर मतलब आटा, आटा क्या है अनकाउंटेबल नाउन ठीक है। शॉर्ट में लिख दूंगा ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ जहाँ तक ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है मेड फ्रॉम रिपीट, गेहूँ क्या है, ये भी क्या है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए जनवरी क्या है, जनवरी भी क्या है, जनवरी प्रॉपर नाउन है, क्या है प्रॉपर नाउन है। फर्स्ट मंथ, मंथ क्या है काउंटेबल नाउन है, मंथ क्या है काउंटेबल नाउन है। ईयर क्या है, ये भी काउंटेबल नाउन है, ये भी कहना ठीक है। अरे पुलिस ये करेक्टिव में आता है ना, तो पुलिस भी क्या है काउंटेबल नाउन, ये भी कहना जाएगा काउंटेबल नाउन। और मूव क्या है भीड़, ये भी क्राउड क्या है काउंटेबल नाउन। ओके दोस्तों, मैंने समझाने की कोशिश किया ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ठीक है।